जो लूज़र होते हैं उनके पास अपना फेलियर जस्टिफाई करने का कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है। ऐसे लोगों के मुंह से आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाएंगी, मुझे मौका नहीं मिला, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, भाग्य ने साथ नहीं दिया, या ऐसा ही कोई और स्टेटमेंट। पर इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ हो रही हर अच्छी बुरी चीज़ के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। वे फेल होने पर कहते हैं, मैंने मौके का सही फायदा नहीं उठाया, मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल सकता हूँ, या ऐसा ही कोई और स्टेटमेंट। और ऐसे लोग ही जो अपनी असफलता का कोई एक्सक्यूज नहीं देते, आगे चलकर सफल होते हैं। एक आदमी अंधा था पर उसने कभी अंधे होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी बहरा था पर उसने कभी बहरे होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी गरीब था पर उसने कभी गरीब होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी को उस कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, पर उसने निकाले जाने का एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी लगभग दिवालिया हो चुका था पर उसने दिवालिया होने का कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। एक आदमी जिसे बचपन में टीचर ने मंदबुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया था, उसने कभी मंदबुद्धि होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। वो अंधा आदमी एरिक वेनमेयर था जिसने अंधे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट फतेह किया। वो बहरा आदमी लुडविंग वैन बीथोवन था जिसने दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपोज की। वो गरीब आदमी धीरू भाई अंबानी था जिसने भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस बना डाली। अपनी ही कंपनी से निकाले जाने वाला वो आदमी स्टीव जॉब्स था जिसे 1985 में एप्पल से निकाल दिया गया था और 11 साल बाद 1996 में उसे फिर से कंपनी का सीईओ बना दिया गया। वो दिवालिया हो चुका इंसान कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन था जिसने ABCL की नाकामयाबी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर से हासिल कर लिया। और वो आदमी जिसे बचपन में टीचर ने मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया था कोई और नहीं, दुनिया का महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन था। चाहते तो ये सभी सुपर सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूज दे सकते थे और आम लोगों की तरह अपनी नाकामयाबी को जस्टिफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे किसी बहाने के पीछे नहीं छिपे, वे डटे रहे, उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लगन और जीतोड़ परिश्रम से अपने सपनों को साकार किया। अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कैसे इंसान हैं, एक्सक्यूज देने वाले या अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने वाले? बस एक बात याद रखना, अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खोज निकालोगे, अगर नहीं तो तुम एक बहाना ढूंढ लोगे।